हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आज हम बात करते हैं चेस्ट एक्सरे के बारे में। और टाइम थोड़ा सा कम है, छोटी सी क्लिप बनाएंगे आज। बट इस छोटी सी क्लिप में आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और टॉपिक हमारा है चेस्ट एक्सरे कैसे देखना है, PAVU कैसे देखना है। PAVU का मतलब क्या होता है? देखिए, पोस्टीरियर एंटीरियर और एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। तो हमने जाना PA का मतलब। अब हम जानेंगे रिपोर्ट्स के बारे में, ठीक है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा नया चैनल है डॉक्टर ऑल इन वन के नाम से, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सेंड कर दी है मैंने, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने आपको उसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दी हुई है। आप वहाँ जा कर के उसे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम से आपको वहीं मिलूँगा और वहाँ पर हम बीमारियों के इंजेक्टेबल या अदर डिसीजेस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको वहाँ पर मिलना है और वहीं हम मिलेंगे। और चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करना और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है और ट्रेकिया, ट्रेकिया के बारे में अगर हम देखना है तो ट्रेकिया एंड मीडियास्टिनम सेंट्रली प्लेस्ड। मीडियास्टिनम जो आपका स्टेनम है, ठीक है, उसके सेंट्रल, और ट्रेकिया यानी कि उसका सेंट्रल। ट्रेकिया जो आपका है, जो विंड पाइप जिसे आप बोलते हैं, हवा एयर पास करने के लिए, जो लंग्स के द्वारा जो लंग्स की हवा है उसको बाहर निकालने के लिए या बाहर की हवा अंदर ले जाने के लिए ट्रेकिया का काम होता है, ठीक है। ये दो में आगे डिवाइड हो जाती है, प्राइमरी एंड मेन प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है ना। तो अलग है, पहले हम यहाँ इसको देखेंगे। सेंट्रली प्लेस यानी कि एक्सरे में अगर हम देखेंगे तो जो एक्सरा हमारा इस तरीके का हमें दिखाई देगा, तो वहां पर बिल्कुल सेंटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे तरीके से इसके साथ में एक्सरे भी बताऊंगा कि एक्सरे में कैसे देखना है कि जो ट्रेकिया है वो सेंटर में है या नहीं है। ऑलरेडी इसकी वीडियोज अपने चैनल पर अभी अपलोडेड हैं, आप देखें तो प्लेलिस्ट में जाएं या फिर चैनल की सारी वीडियोज देखें, उसमें से आपको एक्सरे वाली वीडियो भी मिलेगी। ओके, एक्सरे वाली काफ़ी वीडियो चली हुई हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि सेंट्रल में कैसे देखना है एक्सरे। हाइलर शेडो, हाइलर यानी कि जहाँ से जो आपकी आर्टरी वेंस लंग्स के अंदर एंटर करती हैं उसे हम हाइलम कहते हैं, हाइलम ऑफ लंग। ओके, तो शेडो है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रोंकोवैस्कुलर मार्किंग, जो ब्रोंकस हैं आपके उसके मार्किंग क्या है, उसको जो वैस्कुलर जो मार्किंग क्या है वो भी नॉर्मल है। बोथ लंग फील नॉर्मल यानी कि जो लंग्स के जो फील है, एरियाज है, वो नॉर्मल है। बोथ सी पी एंगल आर नॉर्मल। बोथ सी पी एंगल, देखिए एक तो सी पी एंगल होता है हार्ट वाला, ठीक है, और एक सी पी एंगल होता है हार्ट के जो पीछे, मतलब जो लंग्स के सबसे लेटरल साइड वाला, उसका नाम होता है कार्डियोफ्रेनिक एंगल और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। तो वो सी पी एंगल यानी कार्डियोफ्रेनिक एंगल और कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों जो सी पी एंगल है क्लियर है। अगर कॉस्टोफ्रेनिक एंगल अगर आपका एब्सेंट होता है पेशेंट में, अगर गायब होता है, अगर सही से नहीं दिख रहा, इसका मतलब होता है कि लंग्स में हो सकता है प्लूरल इफ्यूजन हो, पानी भर गया हो, पस फट गया हो, या ब्लड वहाँ जमा हो गया हो, ठीक है, ऐसे कुछ इंडिकेशन थोड़ा सा देता है। कार्डियक शेडो नॉर्मल, कार्डियक शेडो यानी कि जो हार्ट की शेडो वहां पर बनेगी हार्ट की, वो प्रॉपर तरीके से है, इसका मतलब नॉर्मल है। अब हम बात करें ओपिनियन, तो जो लैब से हमें ओपिनियन आया है वो ओपिनियन क्या आया है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस प्लीज कोरोलेट क्लिनिकली, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस यानी कि जो ब्रोंक्योल्स और ब्रोंकस हैं आपके, वहां पर स्वेलिंग हो रही है। टिस, आईटिस लग गया ना, आईटिस आपको समझना है। देखिए ITIS, आईटिस, आईटिस जहाँ लग गया इसका मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है, वहां पर स्वेलिंग हो रही है ना, इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन के कार्डियल प्रिंसिपल होते हैं पांच, है ना, रूबर ट्यूमर, कैलोर, डॉलर और फंक्शन लिशिया। तो उसकी भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप जुड़े रहें हमसे, कनेक्टेड रहें। तो यहाँ पर हमने देखा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अब मैं इसको लंग्स एक्सरे में आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस आपको लंग्स एक्सरे में कैसे दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना।
और आपको भूलना नहीं है नए वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, जिसकी वजह से ही मैं अपने चैनलों पर आगे बढ़ूंगा और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे क्लिनिकल बेसिस, अच्छे अच्छे ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा। नो डाउट ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ पहले बुक से, और मैं इंटरनेशनल बुक पढ़ता हूँ ये भी बता दो। एक फ्रेंड ने मुझे पूछा था कि कौन से बुक पढ़ते हो सर, इंटरनेशनल बुक है और उसका नाम मैं यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि नाम बताना थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय जय जी बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।